पवन सिंह के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा पावर? बहुत बहुत अच्छा, उन्हें रोमांस, अब मुझे पता लगा कि इतना अच्छे से रोमांस वो कैसे सबके साथ, क्योंकि मैं पहले दिन मिली, लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हूँ, बहुत ही इमिजिएट एक ऐसी केमिस्ट्री बनी हमारी और सॉन्ग बहुत ही प्यारा शूट हुआ है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो बहुत ही प्यारा वेलकम हुआ मेरा वहाँ पे और लकीली दो और कुछ बहुत अच्छी चीज़ें साइन करके आई, तो आप देखेंगे मुझे पवन जी के साथ, विक्की सारी के साथ भी और कुछ भी। वेरी हैप्पी कि कुछ बहुत टचवुड एक दिन भी बैठी नहीं हूँ जब से बिग बॉस से बाहर आया है। तुझे ना देखूँ तो चैन, उसका रीमेक विद पवन जी एंड बहुत ही जल्दी सावन के बाद ही पहला रिलीज वो है। अच्छा था सावन और बारिश वाज वेरी गुड। सो बस उसके बाद अब नेक्स्ट सॉन्ग यही है क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, दो बड़े स्टार्स कांग्रेचुलेशंस टू देम। मैं यही बोलूंगी आज तो अर्चना की बातें होनी चाहिए यार। अर्चना जी के बात होते रहेंगे, आप आएंगे पवन के साथ हो गया। एक बात और है, पवन और खेसारी के जो दोस्ती फिर से हो गए हैं जो बीच में काफी सालों से रहे थे, गॉसिप चलता रहेगा। क्या बोला जी, खुशी वाली बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, बहुत खुशी वाली बात। दोस्तों हम लोग बहुत खुश रहते हैं और हमको पता है कि वो क्या बोलते हैं टॉम एंड जेरी वाली फाइट चलती रहती है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस फाइट्स नहीं होती उनके बीच में। यहाँ पर आए तक क्या आपने देखे, क्या आपको अच्छा लगा? मैंने अभी जस्ट चेक किया और जितने मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो एक्ट्रेसेस या